दूसरा अध्याय 46 पृष्ठ 25वां श्लोक। दूसरा अध्याय 46 पृष्ठ 25वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कह रहे हैं, हे अर्जुन, देह में रहने वाला सूक्ष्मतम आत्मा क्रिया से, चेतना से, स्मृति से और प्राणों के आने जाने आदि से जाना तो जाता है, परंतु फिर भी स्वरूप से यह अव्यक्त है, इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। मन बुद्धि का विषय ना होने से यह अचिंत है। यह प्रकृति के विकार परिणाम से रहित कहा जाता है, इसलिए इस आत्मा को ऐसा जानकर हे अर्जुन तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। यद्यपि यह आत्मा देह में रहता हुआ जान पड़ता है, परंतु अपने स्वरूप से वह इंद्रियों के विषय से बाहर है। उसका अगम स्वरूप मन बुद्धि के चिंतन में भी पूरा नहीं आता। वह प्रकृति का विकार भी नहीं है, वह पांच भूतों से बना हुआ कार्य नहीं है। इस कारण उसका हनन और मरण कदापि नहीं होता। हनन और मरण तो देह में ही माने गए हैं। देश काल में उत्पन्न हुए कार्य का मरना तथा बिगड़ना अवश्यंभावी सृष्टि नियम है। वह नियम किसी और नियंता की नीति है और अटल है, इसलिए अपने कर्तव्य कर्म करने के काल में तुझे अपने वश से बाहर की बातों का चिंतन करना उचित नहीं है। आत्मा का सत्य सनातन नित और अमृत स्वरूप समझाने के पश्चात आत्मा सत्य है, सनातन सबसे पुरानी है, नित सदा रहने वाली है, अमृत जिसका विनाश नहीं हो सकता। हे विशाल भुज, यदि इस आत्मा को नित सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला तू मानता है, आत्मा को प्रकृति का विकार ही समझता है, तो भी तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। यह तो निश्चित सिद्धांत है, अगर तू मान ले, अगर तू मानता है कि आत्मा का जन्म होता है और मृत्यु होती है, फिर जो नियम है, विधाता का जो विधान है, जो आता है अवश्य जाता, आदि सदा ही अंत दिखाता, जिसका आरंभ है उसका अंत है,
जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, यह निश्चित सिद्धांत है। चाहे कोई राजा, कोई प्रजा, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई गृहस्थी या सन्यासी, मरना सभी को है। कोई बहुत महापुरुष, कोई साधारण जन, यह निश्चित सिद्धांत है। हां, अंतर कहां रह गया? राजा को अपनी प्रिय रानी, महल, खजाने, बाग बगीचे छोड़कर मरना पड़ता है, साथ नहीं जाता अपार धन दौलत, जो साधारण मानव की दृष्टि में वह अपार धन दौलत का स्वामी है, वह यही छोड़कर जाता है। जो प्रजा दिन रात मेहनत करती है, अपनी खेती बाड़ी करती है, दुकान इत्यादि जो भी कार्य करते हैं, उनको वह छोड़कर जाना होता है। अमीर को अपनी शानो शौकत यहीं पर छोड़कर जाना होता है, वह शानो शौकत साथ नहीं जाती। गरीब को अपनी पोटली, अपनी कुटिया, लोटा थाली वह छोड़कर जाना पड़ता है। अगर गृहस्थी है, अपना पुत्र, नाती गोती, अपना कुटुंब कबीला, इनको छोड़कर मरना पड़ता है। अर्थात सभी शरीरधारियों को अपना शरीर छोड़ना पड़ता है, मरना पड़ता है। अगर तू आत्मा को भी ऐसा मानता है, तो फिर जो तू मानता है यह निश्चित सिद्धांत है। तू इसमें और अज्ञानता रोने पीटने बैठ जाता है। जब पता ही है कि सबने जाना है, क्योंकि यह तेरे वश की बात नहीं है। अगर अमीर राजा के वश में होता, अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक अथवा अपने कुटुंब कबीले को वह कदापि धन के बल पर और बहुबल पर नहीं जाने देता। यह उस विधाता का विधान है। समरदेव से कौन रचाए, है कौन जो उसे हराए, उसकी नीति नियम यह अटल है। अगर तू मानता है तो फिर रोता किस बात के लिए है? जिसका जन्म है उसकी मृत्यु यह अवश्यम भावी नियम है। आज तक कोई भी नहीं बच पाया। हां, तुझे सोचना क्या है? अगर अच्छे कर्म किए होंगे, शुभ कर्म किए होंगे, अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया होगा, तो अगला जन्म श्रीमानों के ग्रह में तुझे वह सब सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो जाएगी। अगर बुरे कर्म किए होंगे, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म का जमीन कुरंगा, ये महापुरुषों ने इस तथ्य को जान लिया। तेरे को चिंता तो करनी है कि तू कर्म कैसे कर रहा है, ना कि ये जन्म और मृत्यु की चिंता करनी है। ये तो अवश्यम भावी नियम है, सब में रहे समान, सबके अंदर समान रूप से रहता है। संसार में जीव कितनी बार आ चुका है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। भगवान की वह वाणी, हे पार्थ, तेरे और मेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं, अनेक, एक दो चार नहीं, अनेक। हे पार्थ, तेरे और मेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं, भेद केवल इतना है, मैं जानता हूं तू नहीं जानता।
किंतु आश्चर्य की बात भी यही है, भगवान ने जो बार बार ये ज्ञान दिया, हम इसको मानने को तैयार नहीं। कितनी बार मैं जीवित जन्म ले चुका हूं, इसका कोई ठिकाना नहीं है, बस अब इस शरीर के साथ ये डर, ये भय और अनुचित कार्य, वह बुरे कार्य जिसके लिए बार 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 भगवान ने सचेत किया, गुरुदेव ने यह मार्ग दिया, परंतु उसको मानने को तैयार नहीं है। क्या मानता है? अपने खाली भाव, जिसका कोई भी सिर पैर नहीं है, अपना वहम, अपना ज्ञान जो ना के बराबर है, अपनी युक्तियां, उन खाली भावों में विचरता हुआ सम्मोहवश, अज्ञानवश मानव दुखी होता रहता है, भ्रम में पकड़कर, भ्रम में पड़कर, अज्ञंत ख्यालों में घुट घुट करके पिसता रहता है, मरता रहता है। सभी लोग क्या सोचते हैं? ये हमारा पहला ही जन्म है, जबकि भगवान की वाणी, उस पर विश्वास नहीं, तेरे और मेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं। अधिकतर मानव इसको मानने को ही तैयार नहीं होता। भगवान की भक्ति भगवान को मस्तक निभाता है, अपने आप को भक्त कहता है, अपने आप को भगवान का सेवक कहता है, अपने आप को भगवान की चरण शरण में कहता है, परंतु उनके कथन को स्वीकार करने को तैयार नहीं। यह कैसी भक्ति है? भगवान ने कहा हे पार्थ, और गुरु महाराज ने कहा कोई अर्जुन नहीं, अर्जुन मैं हूं, मेरे को भगवान ये संबोधन कर रहे हैं।